फ्रेंडशिप डे मतलब मित्रता दिवस। आम जीवन में नए पुराने दोस्तों के लिए ये दिन, ये पल खास है और राजनीति में भी। आप सोच रहे होंगे राजनीति में फ्रेंडशिप डे के क्या मायने हो सकते हैं? तो जनाब, अगर चुनावी मौसम हो और बात झारखंड की राजनीति की हो रही हो तो कुछ भी संभव है, शायद इस तस्वीर की तरह। कभी आजसू के रांची महानगर अध्यक्ष रहे मुनचुन राय ने फ्रेंडशिप डे के दिन अपना नया दोस्त चुन लिया है। दोस्त भी कोई और नहीं, एनडीए फोल्डर का बड़ा भाई बीजेपी। मुनचुन राय ने मित्रता दिवस पर अपने पुराने दल को अलविदा कहते हुए जीवन भर बीजेपी का सच्चा सिपाही बनकर जनसेवा करने का संकल्प लिया। देश में राष्ट्रवाद एवं विकास का पर्याय अगर कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है, और मैं भारतीय जनता पार्टी में रहकर जनसेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ। सहित राजधानी सहित जितने भी विधायक हैं, फिर से हम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए हम पार्टी में अपना पूरा समय और जो भी दायित्व मिलेगा या जिम्मेवारी मिलेगी उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। रांची में मिलन समारोह का आयोजन कर बीजेपी ने इस नेता का जोरदार ढंग से स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की शोर से लेकर फूल माला की पूरी तैयारी के बीच आजसू, जेवीएम और कांग्रेस छोड़कर बड़ी संख्या में युवाओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने इस मौके पर कहा कि ये एकमात्र पार्टी है जहां नेता भी हैं और दल की नीति भी। पार्टियों में भगदड़ हो गया है, काहे कि ना नेता है ना नीति है, और भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता है और नीति भी हमारे पार्टी में है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो उसमें पूर्ण बहुमत के साथ आगे बढ़ेगी। झारखंड बीजेपी में मिलन समारोह का दौर लोकसभा चुनाव के पूर्व से जारी है। कई दूसरे दलों के बड़े से लेकर छोटे नेता पाला बदलकर बीजेपी में जा चुके हैं और अभी कुछ नेताओं के जाने की चर्चा है। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने मिलन समारोह में दूसरे दलों से आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठन का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा ये पार्टी है, चौपाटी नहीं कि आए खाए और चल दिए। दरअसल उनका इशारा सदस्यता ग्रहण के बाद जा चुके उन युवाओं की तरफ था जो भीड़ का हिस्सा बनकर आए थे। ये जो मिलन समारोह जो होता है ना, तो समझ लीजिए मोटा मोटी 100 चीज लगभग बच गया है। बाद बाकी इधर उधर, भैया देखिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पार्टी है, चौपाटी नहीं है। राजनीति में दल बदल का ये खेल वैसे तो नया नहीं है, खासकर चुनावी मौसम में ये खेल अपने परवान पर होता है। इस वक्त भी झारखंड बीजेपी में कुछ ऐसा ही चल रहा है, जहां हर दल से बीजेपी का दामन थामने वालों की भीड़ बढ़ गई है। भले ये भीड़ समय बदलने के साथ फिर कोई नई राजनीतिक करवट ले ले। न्यूज 11 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट।